कहा भी इब्ने अय्यास फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरी उम्मत का एक खास फितना है, खास फितना यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर पैगंबरी का दौर है और वो क़यामत तक का है, आपके पैगंबरी का दौर क़यामत तक का है। फरमाया मेरी इस उम्मत का एक खास फितना वो है, वह फितना तो उम्मती अल माल, माल का फितना है। इसकी अहमियत इतनी बढ़ जाएगी, इसकी इतनी हिरस व हवस बढ़ जाएगी, इसकी अहमियत इतनी बढ़ जाएगी। और हम देख रहे हैं हर आने वाला वक्त इसकी अहमियत लेके आ रहा है, हर आने वाले जमाने में इसकी अहमियत बढ़ती चली जा रही है, हर आने वाले जमाने में इसकी अहमियत बढ़ती चली जा रही है। बल्कि जितने ही बेदीन और बातिल तबके हैं वो सारे के सारे इसी माल और दौलत और इसी माशी सवारी पे सवार होकर मुसलमानों में फितने बर्पा कर रहे हैं, फितने बर्पा कर। हर फितने की बुनियाद माल बनता चला जा रहा है, मईशत बनता चला जा रही है, माश बनता चला जा रहा है। बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी इस्लामी दुनिया में, पूरी इस्लामी दुनिया में अहले बातिल को, अहले बातिल को सिर्फ वो सरबरा कबूल है, वो हाकिम बर्दाश्त है जो उनके इस एजेंडे को फरोग दे, जो उनके इस एजेंडे को फरोग दे कि हर जगह, हर जगह माश के नक्शों में बेहयाई को रिवाज दे दे, हर जगह बेहयाई के नक्शों में, माश के नक्शों में बेहयाई को रिवाज दे दे, और बेटी बहना औरत को शर्म हया के जितने हदूद हैं और जितने शरीयत की तरफ से मुकर्रर करदा जाबते हैं उन सब से आजाद कर दे, ऐसे हुक्मरान सारी दुनिया में बातिल को काबिले कबूल, जो बेशर्मी और बेहयाई में और अपने यहां की औरतों को शर्म हया की सारी हदूद को पामाल करके आजाद कर दे, आजाद कर दे। तो ये हर फितना बेहयाई का आज माल के रास्ते से है, मईशत के रास्ते से है। इसकी अहमियत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि सारे फैसले इसी के गिर्द घूमते हैं, सारे फैसले इसी के गिर्द घूमते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना ये माल है, और हर दौर में इसकी अहमियत और बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भाई हर फितने से, ज़ाहरी बातिनी फितनों से हमेशा महफूज फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।